2024 में मोदी जी की जय जयकार। मोदी जी ने ही ये कमान संभाली है, उसके बाद ही ये पॉसिबल हुआ है। इसके पहले तो कुछ किसी को पता ही नहीं था कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। है अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है 22 तारीख को। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कहां से आप आ रहे हैं। हम रीवा से आए, एमपी से। अच्छा, तो कल जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। जी जी, बहुत पार खुशी है। जय श्री राम। बहुत पहले से बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जी। आप कुछ कहना चाहेंगे बताओ। नहीं सर, हम बड़ौदा गुजरात से आए हैं, पूरी अयोध्या नगरी को सजाने के लिए आए हैं, निशुल्क फूलों से सजाने आए हैं। बड़ौदा गुजरात से पूरी हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है, बिना निशुल्क फूल। श्री राम की कृपा है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं। दो दिन से बहुत बढ़िया है। 2024 में आप जो है 2024 में मोदी जी की जय जयकार। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि 2024 नहीं, जब तक मोदी जी है तब तक यही रहने चाहिए। मोदी जी और योगी जी, यही खुशी की बात है। और ये पॉसिबल इसीलिए हुआ है जब से मोदी जी ने ही ये कमान संभाली है, उसके बाद ही ये पॉसिबल हुआ है। इसके पहले तो कुछ किसी को पता ही नहीं था कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। और आज जो है यहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं, अभी क्या बताएं, हमारे पास तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। बहुत बहुत बधाई, क्यों वापस आ गया है फिर से। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं, न्यूज टाइम नेशन के लिए अयोध्या से। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।